नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक दूसरा पेपर आपके लिए लेकर आया हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो आइए देखा जाए। सबसे पहले 51 नंबर का प्रश्न, द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज नोड टू नोड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सिंक्रोनाइजेशन, अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग राउटिंग टेबल। तो बच्चों, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है वो आपको जो डिलीवरी करता है वो प्रोसेस टू प्रोसेस करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। विच प्रोटोकॉल इज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, आईपी, टेलनेट, एफटीपी, नन ऑफ दीज। तो बच्चों, दुनिया जानती है और आपको पढ़ाया भी गया है कि आईपी इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। इसके बाद आपसे आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंसर्स कैन बी, सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स कैन बी टेम्परेचर, लाइट, मोशन। तो सेंसर्स तो बच्चों सब हो सकते हैं। सेंसर्स कैन बी ऑल ऑफ द अबव, सारे हो सकते हैं बच्चों। एक्वेटर्स कैन बी डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड या ऑल। तो बच्चों, एक्वेटर आपके सभी हो सकते हैं, डिस्प्ले, मॉनिटर, साउंड या ऑल। तो 54 का सही उत्तर आपको क्या देना है? डी देना है। 55, एग्जांपल्स ऑफ सेंसर्स आर गैस सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, मॉइस्चर सेंसर, ऑल ऑफ दी। तो 55 में का आप क्या उत्तर देंगे बच्चों? ऑल ऑफ दीज। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिग्नल्स आर मैकेनिकल, थर्मल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, केमिकल, रेडिएशन या ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों, 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? हर प्रकार जो दिए हैं वो सब सिग्नल के टाइप है बच्चों, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। वो कौन से एक्वेटर्स हैं यूज प्रेशराइज्ड ऑयल दैट इज इनकंप्रेसिबल? 57 नंबर प्रश्न। तो बच्चों, इस एक्यूटेटर को हम लोग हाइड्रोलिक एक्यूटेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक एक्यूटेटर, यानी 57 में का ए लगाइए। ए माइक्रो कंट्रोलर समटाइम्स रेफर्ड टू एज म्यू एम, म्यू सी, एम सी यू या ऑल ऑफ दीज। बच्चों, सब कहा जाता है माइक्रो कंट्रोलर को, आपका सारा बोला जा सकता है। म्यू एम भी कह सकते हो, म्यू सी भी कह सकते हो, एम सी यू भी कह सकते हो और ऑल ऑफ द अबव भी कह सकते हो। द कंपोनेंट दैट आर पेरेंट ऑन टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर आईसी प्रेजेंट है। प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्या क्या चीजें माइक्रो कंट्रोलर आईसी में होती है? सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, आईओ पोर्ट्स एंड टाइमर्स होते हैं। तो बच्चों, जब सब होता है तो इसका सही उत्तर क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ द अबव। 60 नंबर प्रश्न पे आता हूं। टैगिंग थिंग्स किसे कहते हैं? आरएफआईडी एंड एनएफसी, डिजिटल मार्किंग, वाटर मार्किंग, QR कोड या ऑल ऑफ द अबव। टैगिंग का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए टैग कर देना, तो इन सभी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं टैगिंग थिंग्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लगाइएगा 60 का डी। एक्वेटर इंक्लूड, एक्वेटर्स किस प्रकार के होते हैं? मोटर, गियर, वाल्व, स्विचेस, पंप, पिस्टन्स। तो आपको देखने से ही लग रहा है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सभी। एड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट, ALU या नन ऑफ दीज। बच्चों, आपको मालूम है ये बेसिक ऑपरेशंस जो है ये सब ALU करता है आपका, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 63 नंबर प्रश्न पे आता हूं। लॉजिकल ऑपरेशंस
इन कंप्यूटर्स आर डन बाई, कंप्यूटर्स के लॉजिकल ऑपरेशन को कौन करता है? तो लॉजिकल ऑपरेशंस को करने का कार्य बच्चों तुम्हारा एएलयू ही करता है। ये अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों प्रकार के टास्क की जिम्मेदारी लेता है। अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स यूजिंग 1, 0, 0 and 1 ऑल ऑफ द अबव। माइक्रो प्रोसेसर आपका 0 and 1 बाइनरी सिस्टम पे चलता है, आपको पता है। तो सी आंसर आप बच्चों लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क, रिस्क का मतलब बच्चों आप लोग को मालूम है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या होता है इसका मतलब? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो पाइपलाइनिंग, हार्डवायर्ड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन वन साइकिल, ये सब आपके एग्जाम्पल में आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ऑल ऑफ द अबव आप लगाइएगा। 65 का डी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन सेट भी उसकी विशेषता है, क्लॉक स्पीड भी उसकी विशेषता है, वर्ड लेंथ भी इसी की विशेषता है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सेंसर्स प्रोड्यूस डिजिटल आउटपुट्स दैट कैन डायरेक्टली इंटरफेस विथ डिजिटल कंट्रोलर। वो कौन से सेंसर हैं जो डिजिटल आउटपुट आपको बच्चों देता है? डिजिटल आउटपुट जिसे कहते हैं जहां पर दो ही स्टेट में इंफॉर्मेशन आती है, 1 या 0। तो कौन सा सेंसर आपको डिजिटल आउटपुट प्रदान करता है बच्चों? तो ऐसे सेंसर्स को आप नाम दीजिए डिजिटल सेंसर। ये देख लीजिए, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? सेव द कॉस्ट, मेक द सर्किट कॉम्पैक्ट, सेव पावर कंजम्पशन, सारी चीजें करता है बच्चों। सही उत्तर लगाना डी। एप्लीकेशन ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर आर मेडिकल इक्विपमेंट में, यस यूज होता है। एरोनॉटिकल स्पेस में, यस यूज किया जाता है। डिफेंस में यूज होता है। तो जब सब में यूज होता है तो फिर आंसर भी आपका क्या होगा? चौथा डी। ऑल कोड इन अर्डिनो स्केच इज प्रोसेस्ड फ्रॉम, अर्डिनो में जो स्केच को प्रोग्राम कहते हैं वो प्रोसेस कैसे होता है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, एनी ऑर्डर, नन ऑफ दीज। तो भाई साहब ध्यान दे लो, टॉप टू बॉटम होता है। तो सही आंसर मैं लगाने जा रहा हूं ए के साथ। ऑलमोस्ट ऑल अर्डिनो, ऑल स्टेटमेंट रिटन इन अर्डिनो में जो लैंग्वेज यूज होती है वो सी है, और वो समाप्त होता है किससे? सेमी कोलन से। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है बच्चों और पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट स्केच, स्केच के बारे में, स्केच जो कि अर्डिनो का प्रोग्राम है, क्या स्टेटमेंट, क्या क्या कथन तुम्हारा सही होगा बच्चों? इट इज ए नेम दैट अर्डिनो यूजेस फॉर ए प्रोग्राम। अच्छा भाई, इट इज ए यूनिट ऑफ कोड दैट इज अपलोडेड टू रन ऑन अर्डिनो बोर्ड। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज, दोनों बातें सही है, ए एंड बी। एडवांटेज ऑफ अर्डिनो, इजी टू लर्न, सीखना आसान है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इसमें हैं। तो आंसर आप क्या देंगे? ऑल ऑफ द अबव। फुल फॉर्म ऑफ GPIO, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट। फुल फॉर्म ऑफ GPIO इज, और किसी का नाम भी नहीं लिया मैंने, ग्राउंड पिन होता नहीं, जनरल पिन होता नहीं, तो GPIO का भाई आप क्या उत्तर लगाएंगे? सी, द सेटअप डिफाइन, सेटअप फंक्शन है आपके स्केच का, अर्डिनो में यूज होता है। पिन फंक्शनैलिटी, इनिशियल स्टेट ऑफ पिन्स, इनिशियलाइज क्लासेस एंड वेरिएबल्स, या ऑल, सारे कार्य बच्चों, ऑल वर्क जो लिखे हैं ये रिगार्डिंग द सेटअप फंक्शन ही लिखे हैं। तो मैं जाऊंगा डी के साथ। एसपीआई का आंसर क्या होगा? सीरियल पिन इंटरफेस, या सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस भी गए तो गलत नहीं होगा। पिन 10SS11MOSI, 12MISO, 13SCK, करेक्ट आंसर आप लगाइएगा 76 प्रश्न नंबर का सी। 77 नंबर,
कुछ कंपाइल एरर्स होती हैं, क्या होती है? मिसिंग सेमीकोलन और पैरेंथेसिस, मिसिंग वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, मिस स्पेलिंग एंड रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, सेमीकोलन मिस करोगे तब भी एरर आएगी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन गड़बड़ करोगे तब भी एरर आएगी, मिस स्पेलिंग कर दोगे किसी चीज का या रॉन्ग गलत कैपिटल बड़ा छोटा गलत करोगे तब भी एरर आएगी। तो 77वें का आपकी क्या आंसर लगाऊं मैं? डी। द HC05 मॉड्यूल कैन बी ऑपरेटेड इन स्लेव या मास्टर या दोनों। 78 दोनों पे कट चलता है बच्चों, बोथ ए एंड बी। हाँ भैया, डिफॉल्ट मेथड आर्डिनो के कौन से होते हैं? बच्चा जानता है बच्चों, आप भी जानते हैं, सेटअप और लूप होता है ना, ओनली लूप होगा ना ओनली सेटअप होगा, दोनों होते हैं डिफॉल्ट। विच सिंबल इज यूज टू एड आर्डिनो टू कैलकुलेट मॉड्यूलो, ये होता है पाइथन में भी तो यही है, सी में भी यही है, जावा में भी यही है, मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज सिंबल जैसा। अब भैया 81 नंबर पे आता है, Which of the following statement are true about serial communication? Serial communication is the process of sending data from one device to another device sequentially, right? In serial communication, data bits are sent serially, बिल्कुल faster होता है। 81 नंबर का उत्तर कुछ बताएंगे आप लोग? तो भैया सभी बातें सही हैं, कोई बात इसमें गलत नहीं है। What is AI? Putting your intelligence into computer, programming with your intelligence, making a machine intelligence, putting more money, memory. 82 का क्या लगाओगे बताओ? मशीन को इंटेलिजेंट ही तो बनाते हो, अपनी इंटेलिजेंस तो कंप्यूटर में डालोगे नहीं, तो सही बात है 82 का सी ही होगा। What is private key? किसे आप प्राइवेट की कहेंगे? ए की ऑन योर की चेन फॉल्स ए की गिवन टू ए पब्लिक नो, ऐसी की जिस जो पब्लिक को ना दी जाए हम लोग उसे ही बोलते हैं प्राइवेट की। ये असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का प्रश्न है बच्चों। आगे चले, विच वन इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ IoT? भैया सिक्योरिटी प्रोसेस थिंग सभी एलिमेंट होते हैं, पीपुल को बाहर करा जाता है, इट इज नॉट अ एलिमेंट। बताइए, The device connected to IoT have communicate automatically, not via humans. अगर आपकी devices automatic जुड़ जाएं IoT से, तो भैया वो M2M communication में आ जाते हैं। 85 का B। 86 नंबर, Bitcoin का निर्माण किसने किया था बच्चों? सातोशी नाकामोटो ने किया था, जापान का था ये बंदा, जिस पर क्रिप्टोकरेंसी चलती है। What is blockchain? A distributed ledger on peer-to-peer network, a type of cryptocurrency, a centralized ledger and exchange. भैया blockchain ये होता है पहला वाला, ध्यान से पढ़ लो, बहुत महत्वपूर्ण अच्छे क्वेश्चंस हैं। The poor security practices में क्या हो सकता है? No system hardening हो सकता है, no mechanism for updating software हो सकता है, डिफॉल्ट पासवर्ड हो सकता है, तो सारी चीजें गड़बड़ हैं, यानी ये सारी चीजें पुअर सिक्योरिटी में आती है, नॉट ए गुड सिक्योरिटी। बोट कम्स फ्रॉम रोबोट एंड इंटरनेट बोट में बी ऑल्सो नोन एज, भैया बोट क्या होते हैं आपको पता है? ऐसे प्रोग्राम जो इंटरनेट पर अपने आप चलते हैं बच्चों, उनको हम लोग ऑटोमेटेड सेल्फ ऑटोमेटेड प्रोग्राम यानी बोट कहा जाता है। और ये आपके बच्चों दोनों प्रकार के होते हैं, चैट बोट, वेब बोट, सर्च इंजन बोट्स, कुछ बोट अच्छे भी होते हैं कुछ खराब भी होते हैं। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट ब्रूट फोर्स अटैक? क्रैक ए पासवर्ड और यूजर नेम, फाइंड ए हिडन वेब पेज, फाइंड द की यूज टू इनक्रिप्ट अ मैसेज। तो भाई सभी चीजें, वैसे ब्रूट फोर्स एक खतरनाक अटैक है जो आपके सिस्टम के पासवर्ड को क्रैक करने में बच्चों बहुत यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। डिक्शनरी अटैक इज अ काइंड ऑफ, डिक्शनरी अटैक कैसे अटैक में रखोगे बच्चों? सब लोग बताइए,
डिक्शनरी अटैक एक प्रकार का ब्रूट फोर्स अटैक होता है बच्चों। बॉटनेट इज ऑफन यूज टू लॉन्च, बॉटनेट का यूज किस लिए किया जाता है? डिनायल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ, DDoS कहेंगे आप इसको। टू सिक्योर योर डेटा ऑन IoT डिवाइसेज, आप क्या करेंगे अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए IoT डिवाइस में, आप क्या करेंगे बच्चों? कीप चेंजिंग योर पासवर्ड राइट, अपडेट करेंगे प्रत्येक डिवाइस को, बिल्कुल सही। अवॉइड यूजिंग रिस्क है डिवाइसेज, रिस्की है नहीं यूज करेंगे, सब चीजें सही है इसमें। 93 का मैं सही उत्तर लगाऊंगा डी। कम्युनिकेशन हेल्प ऑफिशियल टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, अगर आप कम्युनिकेट करते हैं अपने कर्मचारियों के साथ तो वो मोटिवेट का मतलब क्या होता है? उनका उत्साह वर्धन होता है। द डॉक्यूमेंट दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई चीज घूमती है तो हम लोग उसको मेमो कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? मेमो। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट टेक केयर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज इन IoT, कल भी बताया था मैंने, शायद था ये प्रश्न, नेटवर्क लेयर होता है बच्चों। रिमोट इनेबल एंटिटीज दैट यूटिलाइज IoT डिवाइस टू कनेक्ट एंड कंट्रोल, रिमोट इनेबल एंटिटीज जो कि दूर से ही कंट्रोल करने की सुविधा दे, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस सभी तो हैं, तो इसका आंसर दीजिए ऑल ऑफ द अबव। द RFID इज ए यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ परसेप्शन लेयर फॉर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग ट्रैकिंग एक्सचेंज यूजफुल इंफॉर्मेशन, सभी चीजें RFID के लिए सही है बच्चों, ऑल। मोस्टली यूज्ड IoT प्रोटोकॉल सभी तो हैं, MQTT भी यूज होता है, ZigBee बहुत ज्यादा यूज होता है, XMPP भी है, सभी आपके IoT में ज्यादा यूज होने वाले ही प्रोटोकॉल है। MQTT का HTTP पर फायदा, ये लाइट वेट होता है। तो बच्चों ये आपके सामने एक 50 क्वेश्चन का छोटा सा सेट लेकर मैं उपस्थित हुआ और आशा करता हूं कि आपको निश्चित तौर पे इसका फायदा अवश्य मिलेगा, इनमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर आपके प्रोग्राम में फंसेंगे ऐसी आशा और उम्मीद है, और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए आने वाली परीक्षाओं की शुभकामनाएं जो कि 8 जुलाई से प्रस्तावित है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मुझे आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच।